हाय दोस्तों, मेरा नाम है संजू और आप देख रहे हो म्यूजिक फिल्म और ज्ञान। आज हम जा रहे हैं पुणे, जहां गणेश चतुर्थी का सीजन चल रहा है। आपको तो पता ही है, गणेश फेस्टिवल पूरे महाराष्ट्र में और पुणे में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं पुणे के पांच जाने माने गणपति के बारे में और ले जा रहे हैं ऐसे ही गणेश भक्त के पास, जिसने अपने घर में इको फ्रेंडली गणपति बिठाया है। वैसे ही उसने इको फ्रेंडली डेकोरेशन भी किया है। हम आपको आज वहाँ ले जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से पुणे में गणेश फेस्टिवल चल रहा है। माझं नाव सुरेश भाग्यवंत। आम्ही एकत्रितरित्या सर्व कुटुंब गणपती हे बसवतो। ह्यावेळेस माझा प्लॅन झाला की आपण इको फ्रेंडली गणपती बसूया आणि सर्व डेकोरेशनचे साहित्य इको फ्रेंडलीचं वापरूया। ह्यावेळेस मी पूर्ण शाडू मातीचा गणपती आणला, त्याच्याखाली विटांची एक आरस केली आणि त्याच्यावर शेणाने पूर्ण सारून घेतलं। त्याच्यानंतर मी ऊसाचा उपयोग केला। हे दोन्ही खिडक्या आहेत आमच्या आणि त्या ऊसाच्याला पूर्ण बांबू टाईप ते बांधून घेतल्या। त्याच्यानंतर झाडांच्या फांद्यांचा उपयोग केला। त्यानंतर ही पानं आहेत, ही पानं सुकून त्याला कलर करून ही पानं वापरलेली। त्याच्यानंतर मी पूर्ण माती, क्रसॅन, विटांचा चुरा, पूर्ण कागदांचा लगदा, वर्तमानपत्राच्या कागदाचा लगदा फेविकॉलमध्ये मिक्स करून तो वापरलेला आहे। आणि हे पूर्ण हे पोतं वापरलेलं आहे आम्ही ह्याच्यासाठी, धबधब्यासाठी गोर त्यांच्या हे पोतं यूज केलेले आहे। आणि पुन्हा हे झाडंही हर हे मोहरी आणि मोहरीचा वापर केलेला आहे आम्ही, आणि हळीवचा वापर केलेला आहे। पूर्ण इको फ्रेंडली हा गणपती बसवलेला आहे आणि शाडू मातीचा हा गणपती आणलेला आहे। आणि ह्यावेळेस आम्ही घरातच विसर्जन त्याचं करणार आहोत, ही संकल्पना माझ्या मनात आलेली आहे। पूर्ण आम्ही सजावट केलेली आणि ह्या ही सजावट चैतन्य महाप्रभू हे जे पश्चिम बंगालमध्ये होऊन गेले, आता मायापूर ह्या ठिकाणी त्यांचा जन्म झाला, त्या ठिकाणचा हा आम्ही हे त्यांच्या जीवनावर आधारित हे डेकोरेशन केलेलं आहे। आणि त्याच्यासाठी आम्ही सर्व कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी ह्याच्यावर मेहनत केलेली, असं एक सुंदर कल्पना आम्ही मांडलेली आहे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 की फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवदीप नामक गांव में हुआ था, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। बाल्यावस्था में इनका नाम विश्वंबर था, परंतु सभी इन्हें निमाई कहकर पुकारते थे, क्योंकि कहते हैं कि ये नीम के पेड़ के नीचे मिले थे। गौरवर्ण होने के कारण लोग इन्हें गौरांग, गौरहरी, गौरसुंदर कहते थे। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक भी थे। निमाई बाल्यावस्था से ही भगवान चिंतन में लीन रहकर राम व कृष्ण का स्तुति गान करने लगे थे। सन 1509 में जब वे अपने पिता का श्राद्ध करने गए, तब वहां इनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक संत से हुई। उन्होंने निमाई से कृष्ण कृष्ण कहने को कहा, तभी से इनका सारा जीवन बदल गया। हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु व अद्वैताचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई से भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। इन्होंने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदुंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य मंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया।
झाडाच्याही फांद्या आम्ही वापरण्यात आलेल्या आहे याच्यामध्ये. व ही एक झाड दिसते मोठं, त्याच्यामध्ये आम्हाला पावसाळ्यात हे झाड पडलं होतं, न तोडता ते उचलून आणलं मी आणि ते झाडाचं इथं देवासाठी त्याचा वापर केला. आणि ही ह्या ज्या झोपड्या बनवलेल्या आहेत आम्ही, ह्या चटईचा वापर केलेला आहे, चटईच्या हे तुकडे करून त्याचा वापर केलेला आहे झोपड्यांसाठी आम्ही. आणि पुणे ह्या झाडांसाठी आम्ही हळी आणि मोहरीचा वापर केलेला आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जब ये कीर्तन करते थे तो लगता था कि मानो ईश्वर का आवाहन कर रहे हैं. सन 1510 में जब संत प्रवर श्रीपाद केशव भारती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया. बाद में ये चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रख्यात हुए. 1515 में विजयादशमी के दिन वृंदावन के लिए प्रस्थान किया. ये वन के रास्ते ही वृंदावन को चले गए. कहते हैं कि इनके हरिनाम उच्चारण से उन्मत होकर जंगल के जानवर भी इनके साथ नाचने लगते थे. बड़े बड़े जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ और हाथी आदि भी इनके आगे नतमस्तक होकर प्रेम भाव से नृत्य करते थे. कार्तिक पूर्णिमा को ये वृंदावन पहुँचे. वृंदावन में आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौरांग निमाई आगमोत्सव मनाया जाता है. उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिमी जगत तक है. वैष्णव लोग तो इन्हें श्री कृष्ण का राधा रानी के संयोग का अवतार भी मानते हैं. चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भक्ति ही मुक्ति का साधन है. भगवान नाम के उच्चारण में देश काल का कोई बंधन नहीं होता. भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति और अपना सारा माधुर्य अपने नामों में ही भर दिया है. भगवान का नाम ही स्वयं भगवान के तुल्य है. पूरे 10 दिन बीत जाने के बाद गणपति बाप्पा अब विसर्जन की ओर जा रहे हैं. पूरे ही पुणे के लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से अपने बाप्पा को विदाई दे रहे हैं. गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया, गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया, यही उद्घोष यही जयघोष के साथ भक्त लोग अपने गणपति अपने प्रिय गणपति को विसर्जन कर रहे हैं. 10 दिन तक चलने वाला यह फेस्टिवल सभी के घर में सुख और समृद्धि लेके आता है. सद्भावना का यह त्योहार सभी धर्म और जाति के लिए है. आज गणपति बाप्पा हमसे विदाई ले रहे हैं. मैं आशा करता हूँ वे अगले बरस जल्दी से आएंगे और ऐसे ही सुख समृद्धि अपने भक्तों के पास ले आएंगे. गणेश चतुर्थी का यह त्योहार सभी के मन में सद्भावना और आपस में मेलजोल और प्रेम बढ़ाता है. गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया, यही उद्घोष के साथ अपने प्रिय बाप्पा का आज लोग विसर्जन कर रहे हैं.
तो आप भी देखते रहिए म्यूजिक फिल्म और ज्ञान, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।